ड्रेसेस वगैरह ली हैं, मेहंदी वगैरह ली है और शूज़ ले रहे हैं। अपने मामा पापा के साथ यहाँ पर आई हूँ, मैंने चूड़ियाँ भी ली है, ब्रेसलेट्स ली है और भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी मैंने चूड़ियाँ ली हैं और अभी मैं जा रही हूँ शूज़ वगैरह देखने अपने ईद के। वक्त कम मुकाबला सख्त, बाजारों में पड़ गया जबरदस्त रश। चांद रात पर ईद की शॉपिंग फुल टाइम ऑन, खवातीन की ना खत्म होने वाली तैयारियां जारी। कहीं कीमत के लिए बहस और तकरार, कहीं मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। जिसने सूट खरीद लिया वो जूतों की तलाश में निकल पड़ा। ब्यूटी पार्लर्स में बुकिंग के बावजूद घंटों का इंतजार, मेहंदी के स्टॉल्स पर भी खासा रश। ऐसे में मर्द भी रहे कैसे पीछे, दर्जियों से सूट लेकर सीधे ब्यूटी सैलून पहुंच गए। रेडीमेड कपड़ों की मांग भी सबसे ज्यादा, बच्चों ने भी अपनी मर्जी का सामान इकट्ठा कर लिया। जूतों और नए कपड़ों के साथ पर्स है मस्ट, ईदी मिशन के लिए कमर कस ली। इंशाअल्लाह यकम शवाल अल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी। अहले इस्लाम को यकम शवाल मुकर्रम ईद उल फितर मुबारक हो। आलम इस्लाम में ईद उल फितर एक साथ, पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आ गया, ईद उल फितर आज होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से चांद की शहादतें मौसूल हुई। चेयरमैन रुएतिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आसाद ने ऐलान किया, एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से अहले वतन को चांद मुबारक। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी ईद उल फितर आज होगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी समेत दुनिया भर में नमाज ईद के रूप पर वर इज्तमात होंगे। भारत और बांग्लादेश पे ईद उल फितर का चांद नजर नहीं आया। ईद जुमेरात को होगी। मुल्क में बोहरी बरादरी ने आज ईद मनाई। ईद के पहले दिन क्या कुछ बनेगा, प्रोग्राम फाइनल कर लिया गया। घरों के सरबराहान ने किचन शॉपिंग भी मुकम्मल कर ली। सवैयों और प्योनियों से ईद का होगा आगाज। नमाज के बाद नाश्ते में चलेंगे पाए और नान चने। दोपहर में कोरमे, बिरयानी और कोफ्ते बनाने की फरमाइशें होंगी। बेकरीज और दुकानों पर खासा रश, दुकानदारों ने भी ईदी मुहिम तेज कर दी। ब्रायलर गोश्त को जैसे आग लग गई, कीमत 650 से 700 रुपए फी किलो हो गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद की मुबारकबाद, ईद की खुशियां दूसरों के साथ बांटे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईद उल फितर पर पैगाम, वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा ईद मुआशी तौर पर कमजोर बहन भाइयों की खुशियां दोबाला करने का नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपने पैगाम में बोली, दुआ है ईद उल फितर का चांद हर घर में खुशियाँ और खुशहाली लाए। पाक फौज का शहादा के लवाहिकीन के एहसास में चांद रात तकरीब का अहतमाम। मुल्तान गैरिजन में मुनाकिद तकरीब में शहादा के अहले खाना की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शहादा को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म का अमीर कतर, सदर यूएई, उमानी सुल्तान, सदर अज़रबैजान और तुर्क सदर को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा तआवुन को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखी जाएगी। फ़लस्तीन में क़याम आम पर भी जोर। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। अमीर कतर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। यूएई के सदर, सदर अज़रबैजान और उमानी सुल्तान को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम ग्रीन का ऐलान, रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा। उस्मान खान और इरफान खान नयासी पहली बार टीम का हिस्सा। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी फिट, टीम में शामिल। सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा, वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, रोटेशन पॉलिसी कप्तान बाबर आजम समेत सबके लिए है। अब्दुल रजाक ने माजी के बयानात से बरक्स मौकिफ अपनाया, कहा टीवी पर बैठकर तबसरे करते हुए हालात का अंदाजा नहीं होता। मोहम्मद यूसुफ ने हल्के फुल्के अंदाज में गैरी क्रिस्टन के आने की तस्दीक कर दी। 17 रुकनी कौमी टीम में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इब्रार अहमद, आसम खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, अब्बास आफरीदी, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, उसामा मीर और जमान खान शामिल।
یوسف رضا گیلانی بلا مقابلہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے۔ حلف بھی اٹھا لیا۔ ایوان سے اپنے پہلے خطاب میں بھٹو ریفرنس پر بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ کہا سپریم کورٹ نے قائد عوام کے عدالتی قتل کا اعتراف کیا، ایوان کے وقار پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے سیدال خان ناصر بلا مقابلہ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بن گئے۔ چیئرمین سینٹ نے ان سے حلف لیا۔ نو منتخب سینیٹرز نے بھی حلف اٹھا لیا۔ آزاد رکن فیصل واؤڈا اور مولانا عبد الواسن نے حلف نہیں اٹھایا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سینٹ میں قائد ایوان مقرر۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے 22 اپریل تک اپوزیشن لیڈر کا نام بھی طلب کر لیا۔ آزاد امیدواروں کو کسی بھی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے 7 دن کی مہلت۔ سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ اور وزراء کی یوسف رضا گیلانی کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ بشرا بی بی کی اس سے پہلے رہائی ممکن نہ ہو سکی، دوران عدت نے کہا کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت۔ خاور مانیکا کے وکیل آج بھی سیشن کورٹ میں پیش نہ ہوئے۔ وکیل صفائی سلمان اکرم راچا نے کہا رضوان عباسی جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہوئے، سزا معطلی پر تو فیصلہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے ریمارکس دیے، مشروط سزا معطلی کیسے ہو سکتی ہے؟ آئندہ سماعت پر وکیل پیش نہ ہوئے تو سزا معطلی پر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ سلمان اکرم راچا بولے رضوان عباسی نہیں آئے تو بشرا بی بی کیا 10 دن جیل میں رہیں گی؟ عدالت نے سماعت 15 اپریل تک ملتوی کر دی۔ دو کروڑ 60 لاکھ بچے اور بچیاں سکول سے باہر ہیں، اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی مجرمانہ غفلت ہو نہیں سکتی۔ اس کے لیے ہمیں ایک اور ایونٹ، ہم جلد اس کا انعقاد کریں گے، وہاں پر تعلیم کو ایک ایمرجنسی کی طور پر ہم اس کو ڈکلیئر کریں گے۔ ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کریں گے۔ وزیراعظم نے 2.5 کروڑ بچوں کے اسکول نہ جانے کو مجرمانہ غفلت قرار دے دیا۔ ملک بھر میں دانش اسکولز کا جال بچھانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا تعلیم کیا صرف اشرافیہ کے بچوں کا حق ہے؟ ہم نے طلبا کے ہاتھ میں کلاشن کوف نہیں لیپ ٹاپ دیے۔ پنجاب میں لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے طلبا روزگار کما رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کسانوں کے لیے عید کا تحفہ، پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا زرعی پیکج تیار۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے زرعی پیکج کی تفصیلات جاری کر دیں۔ کسانوں کو 2 سال میں 300 ارب کا بلا سود قرض ملے گا۔ 80% چھوٹے رقبے کے کسانوں اور کاشتکار شامل ہوں گے۔ سبسڈیز کی مد میں مزید 100 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عید الفطر پر فول پروف سیکورٹی انتظامات کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا عیدگاہوں، مارکیٹس اور شاپنگ سینٹرز پر اضافی نفری تعینات کی جائے۔ یوم دستور پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا آئین کی بالادستی کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے گا۔ ٹیکس عوام کی امانت ہے، ٹیکس کی ادائیگی ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ وارداتیں تو بہت ہو رہی ہیں پر پولیس کسی کان پہ جو ہے جو نہیں رینگ رہی ہے، اور وہ اس طرف دیکھ نہیں رہی کہ پبلک مر رہی ہے۔ فیئرنگ ہوئی ہے، گارڈ کو مار دیا تھا۔ آیا تھا میں یہاں پہ تو ایمبولینس سے لے کے گئی ہاسپٹل، یہاں سے پیٹل گیا تو اس کا دم نکل گیا۔ کراچی میں خون سستا، زندگی مہنگی، بے قابو ڈاکوؤں نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ غریب آباد میں ڈاکوؤں کی لوٹ مار، سیکیورٹی گارڈ نے مزاحمت کی تو گولیاں مار دیں۔ 30 سالہ وحید بلوچ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ڈاکو اے ٹی ایم سے نکلنے والے شہری کو لوٹ رہے تھے۔ کرنگی میں مسلم ملزمان نے بینک سے رقم لے کر آنے والے تاجر کو لوٹ لیا، 40 لاکھ روپے چھین کر فرار۔ پولیس کے مطابق مدعی اور بھانجے کے بیانات میں تضاد ہے، دونوں کو شاملی تفتیش کر لیا گیا۔ ادھر میٹرو ویل میں ڈکیتی مزاحمت پر 2 افراد کے قتل کے کیس میں پیش رفت۔ مبینہ ملزمان کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ 1.35 کروڑ کی لوٹی گئی رقم ملزمان کے پاس نیلے شاپر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دیدہ دلیر ملزمان نے چہرے بھی نہ چھپائے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل بیمن کا کہنا ہے اسٹریٹ کرائم کا سلسلہ پورے ملک پہ بڑھا ہے، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی حکومت میں امن و امان کا مسئلہ ہو۔ کوشش ہے اسٹریٹ کرائم پر جلد از جلد قابو پالیں، نہیں سمجھتا سندھ حکومت کو وفاق کی مدد کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی کراچی کے تاجروں سے ملاقات، کہا کراچی سے کشمیر تک امن کا قیام ہماری ذمہ داری ہے۔
फिर शहर को जराइम से पाक करके ही दम लेंगे। डकैती मजाहमत पर शहरियों का कत्ल, MKM ने कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कराची स्ट्रीट क्राइम पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। करारदाद में कहा गया शहरियों के जान व माल के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी रियासत की है, रियासत अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी? सिंध हुकूमत शहरियों के तहफ्फुज़ में नाकाम है, वजीर आजम और वजीर दाखिला सख्त अहकाम जारी करें। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का वज़ीर आज़म के नाम खत, लड़कियों की तालीम को फ़रोग देने पर जोर। मलाला यूसुफ़ज़ई ने शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, कहा पाकिस्तान ने लड़कियों की तालीम में नुमायां पेशरफ की। इस सिलसिले में मलाला फंड ने $15 मिलियन की सरमायाकारी की। इस वक्त भी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 2 लाख से ज्यादा असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं। मलाला का लड़कियों की तालीम को अव्वलीन तरजीह करार देने का मुतालबा। ईद तो होती ही अपनों के साथ है, ईद आबाई इलाकों में मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर और कोयटा के बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी, मनमाने किराए वसूल करने लगे, ओवरचार्जिंग के साथ ओवरलोडिंग भी करने लगे। रेलवे स्टेशन पर भी आवाम का रश, किसी को बर्थ की तलाश तो किसी को सीट भी ना मिली। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, ईद के तीनों दिन किरायों में 25% कमी। मुल्क के बड़े शहर खाली, शाहराओं पर रश ना होने के बराबर। दिन तो थोड़ा गर्म होगा, लेकिन उसकी अगली छुट्टियां जो हैं तो वो एंजॉयबल होंगी। उसमें टेम्परेचर 5-6 डिग्री कम हो जाएंगे और बारिश भी होगी, तेज़ हवाएं भी चलेंगी और उसके साथ ज़ालाबारी का भी इम्कान है। तो और उसमें से फिर पूरा एक हफ्ता जो है तो कोई 20 तारीख तक जो है बहुत ही खुशगवार गुजरेगा, और उसके अगले दिन जो भी हैं तो उसमें भी बहुत कोई शिद्दत की गर्मी या हीट वेव नहीं है। मीठी ईद भीगी भीगी गुजरेगी। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई, तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बाज़ इलाकों में ज्वालाबारी का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 10 से 15 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। पंजाब और बलूचिस्तान में 12 अप्रैल से बारिशें होंगी। कराची समेत सिंध भर में बादल 13 और 14 अप्रैल को रंग जमाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का कद, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया आफरीदी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। नोट में लिखा सुप्रीम कोर्ट को 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। मामला हाई कोर्ट का है जो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। चाहते हैं 9 मई पर इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। बानी PTI 9 मई की इंक्वायरी कराने का कह चुके हैं। PTI रहनुमा राउफ हसन का कहना है कि पाकिस्तान के किसी इदारे को कमज़ोर नहीं देखना चाहते, आवाम जानते हैं सच क्या है। कौम में एतमाद नहीं होगा तो मईशत तरक्की नहीं करेगी। PTI की पॉलिटिकल कमेटी में मजीद 2 नामों का इजाफा, मोनि सिलाही और जुल्फी बुखारी को शामिल कर लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। दुनिया में ईद की खुशियां, फलस्तीन में अंधेरा ही अंधेरा। इसराइली बर्बरियत पे मजीद 153 फलस्तीनी शहीद। ईद पर फलस्तीनी नए कपड़ों और रिवायती खानों से महरूम। तुर्की ने गजा में जंगबंदी के ऐलान तक इसराइल को बास मसनूआत बरामद करने पर पाबंदी लगा दी। और बसा से भरपूर हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म द गारफील्ड हो चुकी है तैयार। शायकीन को करना होगा फिल्म देखने के लिए 24 मई तक का इंतजार।